हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सपोज देर आर टू प्लेन्स, पी वन प्लेन एंड दिस वन इज द पी टू प्लेन. And there is another plane which passes through the line of intersection of these two planes. मतलब सिचुएशन क्या, मैं बताता हूँ. सुनिए, आप अपनी कॉपी के किसी भी पेज को लीजिए एंड उसको ऐसे हाथ से ऐसे होल्ड कीजिए. पेज को, ओनली पेज, उस पेज को ऐसे पकड़ लिया आपने, होल्ड किया उसको. अब उस पेज को जब होल्ड किया है ना, उसके अलावा बुक के या कॉपी के दोनों तरफ और दो पेज दिखाई देंगे आपको. और वैसे तो पेज काफ़ी हैं, बट दोनों तरफ और भी पेज दिखाई देंगे. तो जो दो और पेज हैं उसके एडिसेंट पेजेज, उसके साथ वाले पेजेज, वो दो प्लेन हैं एंड वो दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ वो दोनों मिलते हैं बुक के ज्वाइंट वाले पॉइंट पे, वहीं से वो पेज निकल के आया. कौन सा पेज या प्लेन जिसको आपने होल्ड कर रखा है. तो आप उन्हें जिसको होल्ड कर रखा ना, उसकी इक्वेशन आप निकालेंगे. एंड इक्वेशन किसकी गिवन है, जो वो दो पेज थे जो ज्वाइन कर रहे हो उनकी इक्वेशन गिवन. ये है सिचुएशन. तो देखिए, जहाँ प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ हमेशा लाइन आती है. जहाँ प्लेन्स हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ एक लाइन आएगी. जैसे आपकी बुक है, उस बुक के में जितने भी पेजेज हैं वो सभी प्लेन हैं और वो कहाँ मिले हुए हैं, कॉपी के नीचे ज्वाइंट वाली उस लाइन पे, ज्वाइंट वाली लाइन पे मिले हुए हैं. तो जिस ज्वाइंट वाली लाइन पे मिले हुए हैं ना, वो लाइन क्या कहेंगे, उस लाइन को हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो आइए बेटा, सपोज देर आर टू प्लेन्स से A1X + B1Y + C1Z = D1 एंड द सेकेंड प्लेन इज से A2X + B2Y + C2Z = D2. मान लीजिए आप ऐसे कोई भी दो प्लेन, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. प्लीज द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2. जिनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, तो क्या होगी उसकी इक्वेशन बेटा, बड़ा सिंपल है. P1 + λ P2 = 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, ये कह रहा है कि कोई भी दो प्लेन है, 2x + 3y + z = 4, देन x - y - z = 1. से ये कोई भी दो प्लेन है, एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट से 1, 2, 3. क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि कोई भी एक प्लेन इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हुआ है, उसकी इक्वेशन निकालिए. एंड जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना, वो इस पॉइंट से भी पास होता है. दिस वन इज द स्टेटमेंट, राइट. सो तो करते हैं, ये याद उसका आपको, इसी का यूज करूंगा मैं. आइए बेटा, इधर दिस वन इज एनी पॉइंट, पासिंग पॉइंट. नाउ P1 + λ P2 इज द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. P1 मीन्स दिस वन, क्लियर किया आप पहले. क्या आएगा, 2x + 3y + 4z - 4 एंड +λ × P2 x - y - z - 1 इज इक्वल टू जीरो. देन दिस बिकम्स 2 + λ × x, 3 - λ × y, 4 - λ × z, then -4 and -λ = 0.
डाई प्लेन की इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, पहले तो ऐसे लिखा पी वन प्लस लैम्डा पी टू जीरो जीरो, ये प्लेन की इक्वेशन आ चुकी थी। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स को कलेक्ट किया, एक जगह पर इकट्ठा किया, देन ये प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड प्लेन, यही वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए थी। बट क्या अभी लैम्डा नोन है, इस लैम्डा का नहीं पता बेटा, अभी लैम्डा जो चाहिए ना, इस लैम्डा का भी तो पता हो क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसने एक बात और बोली कि जिस प्लेन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो ना, वो इस 1, 2, 3 से पास होता है, तो इट विल सेटिस्फाई, सो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन। तो रख दीजिए एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह पे 0.123, तो 1, सो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1। क्या करें हम, लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2, 4 माइनस लैम्डा इंटू 3, माइनस 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम, देखना बेटा, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, सो माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, सो माइनस 5 लैम्डा, देन 2, देन 6, देन 12 एंड देन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स माइनस 5 लैम्डा, हाउ मच, 8, 12, 20 माइनस 6 तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 16/5। सो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा 16/5, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, लैम्डा वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रख लेंगे आप, ये काम कर सकते हो, लैम्डा वैल्यू इसमें रख लेना, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऐसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। ओके बेटा, थैंक यू।